हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकलेशियस। आज मैं आपको चॉकलेट स्पंज केक की रेसिपी बता रही हूँ। उसके लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए आप देख लीजिए। चॉकलेट स्पंज केक बनाने के लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, 1 कप शक्कर लिया है। शक्कर जो नॉर्मल शक्कर है उसका मैंने मिक्सी में डाल के पीस लिया है, ये पाउडर शुगर बन गया है। ये 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, ये 1/2 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है, 1 पिंच नमक लिया है, 1/3 कप मैंने कोको पाउडर लिया है, 1/3 कप मैंने ऑयल लिया है, वेजिटेबल ऑयल है, इसका कोई स्मेल नहीं रहे वैसा आप तेल यूज़ कर सकते हैं इसमें। और 1 चम्मच मैंने वेनिला एसेंस लिया है और 1 चम्मच मैंने विनेगर लिया, नॉर्मल वाइट विनेगर है ये। और 1 कप पानी ले लेंगे। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, उसमें 1 छन्नी रख लेंगे और सब हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब इसमें छान लेंगे हम। मैदा, शक्कर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट और कोको पाउडर ऐड करके अच्छे से इसको पहले छान लेते हैं। अरे कोको पाउडर अच्छे से सबको मिक्स करते हुए हम छान लेते हैं पहले। ये देखिए हमारा छान के मिक्सचर एकदम तैयार हो गया है। अभी हमारा केक प्रीमिक्स बन गया है, इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं और जब हमको चाहिए तो हम मिक्स करके इसका केक बना सकते हैं फटाफट। अभी इसमें हम डालेंगे 1/3 कप तेल, वेनिला एसेंस, वेनिला एसेंस ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और विनेगर, विनेगर से टेक्सचर और फ्लफीनेस बहुत अच्छा आता है। अभी इसको मिक्स कर लेंगे और 1 कप जो हमारा पानी है वो रख के हम इसका अच्छे से मिक्सचर बना लेंगे, इसका बैटर रेडी कर लेंगे। अभी 1 कप पानी लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसका बैटर बनाते जाएंगे, इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए हमारा बैटर एकदम तैयार हो गया है, एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बन गया है। अभी हम इसको मोल्ड में डाल के पकने के लिए रखेंगे। ये देखिए मैंने मोल्ड को अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया है, अभी हम बैटर इसमें डाल देंगे। और ये मैंने एक टोप लिया है, उसके अंदर एक छोटा सा प्लेट रख दिया है और इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। प्री हीट कर लेंगे इसको थोड़ा और उसके बाद में हम जो केक है मोल्ड में डाल के इसमें रखेंगे बेकिंग के लिए। ये देखिए मैंने केक मिक्स अपना इसमें मोल्ड में डाल दिया है और अभी हम इसको जो हमने बर्तन गर्म करके रखा है उसमें रख देंगे। ये देखिए मैंने बर्तन अरेंज कर दिया है, मोल्ड को रख दिया है अंदर और अभी इसको हम ढक देंगे और 25 से 30 मिनट तक इसको स्लो फ्लेम में बेक होने देंगे। और जो हमारा केक बनेगा उसके ऊपर लेयर डालने के लिए मैंने 1 कप फ्रेश क्रीम ली है और इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है, सिर्फ इतना ही मेल्ट होने के लिए इसको गर्म किया है। और अभी मैं ये 1/2 कप मैंने चॉकलेट चिप्स लिए हैं, ये इसमें डाल के इसका लिक्विड हम बना लेंगे मिक्स करके इसको। और अगर चॉकलेट चिप नहीं है तो सादा कोई भी चॉकलेट, आप जो डार्क चॉकलेट रहता है उसका भी पीसेस डाल के आप इसका लिक्विड बना के तैयार रख सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखिए हमारा फ्रेश क्रीम और चॉको चिप्स का इतना अच्छा से लिक्विड बन गया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे, जब तक हमारा केक पक जाएगा फिर इससे हम डेकोरेट करेंगे इसको। ये देखिए 1/2 घंटा हो गया है, अभी मैं इसमें टूथपिक डाल के चेक कर रही हूँ। देखिए कुछ भी लगा नहीं है इसमें, इसका मतलब है हमारा केक पक गया है। अब स्टोव बंद कर देंगे और मोल्ड को हम ये बर्तन से बाहर निकाल लेते हैं पहले। ये देखिए मैंने बर्तन से निकाल लिया है, अब इसको हम 1-2 मिनट ठंडा होने देंगे और उसके बाद मोल्ड से इसको बाहर निकालेंगे।
ये देखिए मैंने मोल्ड से बाहर निकाल दिया है इसको। अभी हमने जो क्रीम बनाया था मलाई का और चोको चिप का, वो इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। अभी जो हमने क्रीम का और चोको चिप का ये बना के रखा था, वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। एक क्रीम हम पूरा स्प्रेड कर देंगे ऐसा इसमें। ये देखिए पूरा हमने क्रीम इसमें स्प्रेड कर दिया है। और अभी मैं आपको काट के दिखा रही हूँ कितना यम्मी केक बना है, स्पॉन्जी केक है हमारा। ये देखिए हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज केक कितना टेस्टी है और कितना टेम्पटिंग लग रहा है। बहुत टेस्टी है, बहुत इजी भी है। आप इसको एक बार ज़रूर बनाइए और मेरे को बताइए आपको कैसा लगा है ये केक। ये देखिए केक कितना टेस्टी बना है, बहुत टेम्पटिंग भी लग रहा है और ये केक बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप ज़रूर इसको एक बार बनाइए और घर में जो इंग्रेडिएंट मौजूद हैं उसे ही बनाया है और बहुत इजी है बनाने के लिए। चॉकलेट स्पॉन्ज केक की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।